ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायत के आलोक में उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर मंगलवार को बीडीओ रविंद्र कुमार गुप्ता ने प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय कामदारा परिसर में नए आदर्श विद्यालय भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में बीडीओ ने पाया कि निर्माण कार्य में काफी घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, साथ ही प्राक्कलन के अनुसार निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बीडीओ ने एमआई के अभियंता को निर्माण स्थल पर रखी सभी सामग्रियां को बदलने का निर्देश और विद्यालय भवन निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुसार करने की हिदायत दी। इसके अलावा बीडीओ ने कहा कि जब तक निर्माण स्थल से सभी निम्न स्तर की सामग्रियां नहीं हटा दिया जाता है तो बुधवार से अगले आदेश तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद रहेगा। वहीं निर्माण स्थल पर एमआई के अभियंता मौजूद रहकर ही विद्यालय भवन निर्माण का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। भवन निर्माण स्थल की जांच के बाद बीडीओ के द्वारा पूरे मामले से गुमला उपायुक्त को कराते हुए जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। अनाबद्ध निधि से कामदारा में 60 लाख रुपए की लागत से 8 कमरों का नए आदर्श विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और इसके संवेदक खूंटी के जगदीश गंजू है। वही निर्माण कार्य की देखरेख में लगे मुंशी के तौर पर स्थानीय संवेदक का रिश्तेदार कार्य करा रहा है। निर्माण कार्य शुरू होते ही संवेदक व मुंशी के द्वारा भवन निर्माण कार्य की मानक व गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया गया है। पिलर के लिए खोदी गई गड्ढे भी मानक से कम है और साथ ही निर्माण कार्य के लिए काफी घटिया व कमजोर किस्म की ईंट गिराया गया है। पूरे मामले पर जिम्मेवार एमआई के जेई बालेश्वर महतो से जब हिंदुस्तान संवाददाता ने निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितता के बारे पूछा तो जेई ने कहा कि मैं शुरुआत में ही घटिया ईंट को रिजेक्ट कर दिया था। आगे उन्होंने विद्यालय भवन निर्माण कार्य मानक के अनुसार व गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि विद्यालय भवन निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरते जाने की शिकायत उपायुक्त गुमला से की गई थी। इस पर उपायुक्त ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए कामदारा बीडीओ रविंद्र कुमार गुप्ता को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।